दो गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी, कहाँ मिल रहा है जनता को हलवा पूरी। अरे भाई सबसे पहले तो पूरी, तो मैं सरकार से कहता हूँ कि पहले दो खाना तब बनाओ पखाना। खाना कहवे नहीं करें तो पखाना पहले खिलाओ गरीब जनता को अंडा, तब पुलिस वाले मारे अगर डंड तो कोई बात नहीं है, चूँकि अंडा खाए हड्डी है। कि नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर हवा हवाई से दौरा करने से अच्छा है कि बाबू टोला में आइए और ये जो सब्जी बाग का भोर फोकर है जहाँ गरीब रहते हैं, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मानव है और सारे मानव मर रहे हैं भूख से, कोरोना से कम, ये जांच। जिस तरह से अभी बिहार में दूसरा लॉकडाउन लग गया है और सरकार की जो नाकामी है वो लगातार देखी जा रही है कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, बिहार में वैक्सीन की कमी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारा ये कहना है कि ऑक्सीजन या दवा या वेंटिलेटर या डॉक्टर, सबसे बड़ी कमी हमको एक ही नज़र आ रहा है वो भुखमरी। अगर जिस दिन जनता का भूख मिट जाएगा, खाना है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ह्यूमिनिटी बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए हॉर्लिक्स सरकार बांटे, खाना बांटे, राशन बांटे। दूसरी बड़ी कंट्री में देख लीजिए कि लॉकडाउन जब सरकार वहाँ की लगाई तो सबको वहाँ जो है डॉलर भेजा गया वहाँ के नागरिकों को। यहाँ तो नागरिक भूख से मर रहा है, कोरोना से कम भूखमरी से ज़्यादा। हम पूछते हैं कि सरकार अगर 70 साल हुकूमत बनने को हो गया, आज़ादी से अब तक देखिएगा 70 साल, तो 70 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, चांद पे चला गया। और हिंदुस्तान में अभी देखिएगा कि वेंटिलेटर का रोना, ऑक्सीजन का रोना, डॉक्टर का रोना। डॉक्टर तो यहाँ पैदा होते हैं बिहार में, यहाँ के डॉक्टर अमेरिका, लंदन, रूस, जापान जाते हैं। आज मैंने जो देखा दैनिक भास्कर में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी जो कहा है कि वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाला नहीं है। अरे ऐसे से यहाँ साइंटिस्ट है, वेंटिलेटर तो एक मामूली चीज़ है, यहाँ के साइंटिस्ट है अमेरिका में जाके रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल क्या क्या बना रहे हैं, बड़े बड़े एटमिक पावर वहाँ दे रहे हैं, उनका जो है टेक्नोलॉजी दे रहे हैं भारत के, यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र, यहाँ के डॉक्टर। लेकिन यहाँ के डॉक्टर को, यहाँ के साइंटिस्ट को पैसा नहीं दिया जाता, जिसके कारण वो अमेरिका या दूसरी कंट्री चला जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी, चलिए मैंने मान लिया कि ये आपदा है, ये आपदा नहीं है। दो गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी, कहाँ मिल रहा है जनता को हलवा पूरी। अरे भाई सबसे पहले तो पूरी खिलाइए, सब्जी खिलाइए, हर घर को राशन दीजिए, सूखा राशन दीजिए, उनके अकाउंट में कम से कम मेरे समझ से 25,000 रुपया एक गरीब व्यक्ति पे खर्च है। चलिए 25,000 नहीं मानते कि सरकार नहीं अफोर्ड कर पाएगा, तो कम से कम आप 15,000 रुपया तो दीजिए अकाउंट में। कहाँ किसी के अकाउंट में आया है 15 लाख का वादा किया था, चलिए उसको भी हम भूल जाते हैं, नहीं आपने 15 लाख दिया, तो 15,000 रुपया हर व्यक्ति को दीजिए। चूँकि ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, चाय बेचने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, उनके परिवार कोरोना से कम और भुखमरी से ज़्यादा मर रहा है। मैं माननीय नीतीश कुमार को बोलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर हवा हवाई से दौरा करने से अच्छा है कि बाबू टोला में आइए और ये जो सब्जी बाग का भोर फोकर है जहाँ गरीब रहते हैं, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मानव है और सारे मानव मर रहे हैं भूख से, कोरोना से कम, ये जांच वो जांच। अरे जांच कीजिएगा तो डॉक्टर कहता कि जांच करवा के आइए, और जब जांच करवाए तो 100 बीमारी लिख लेगा। तो सबसे बड़ा बीमारी का जड़ है भुखमरी। हॉर्लिक्स दीजिए, कम्प्लान दीजिए, बच्चे को टॉनिक दीजिए, आयरन की दवा दीजिए। हमारे पास क्या दौलत की कमी है? मास्क पे फाइन, एक मास्क लगाइएगा तो 500 रुपया फाइन लगेगा, और 2 मास्क नहीं लगेगा तो 1500 रुपया फाइन लगेगा। तो जनता का जब पैसा आप ले रहे हैं मास्क के नाम पे, टैक्स के नाम पे, ये टैक्स वो टैक्स, फलाना टैक्स, ढमकाना टैक्स, हगने पे भी तो टैक्स लग ही रहा है।
हम खाना भी नहीं, हम भूखे रहते हैं और शौचालय में जाते तो हगने का भी 5 रुपया दीजिए। तो सरकार को समझना होगा। आपने कहा कि हमने शौचालय बना दिया, जिसको उर्दू में कहते हैं पखाना। तो मैं सरकार से कहता हूँ कि पहले दो खाना, तब बनाओ पखाना। खाना कहवे नहीं करें तो पखाना कहाँ से करेंगे उर्दू। ये इसलिए प्रधानमंत्री अमित शाह, योगी नीतीश कुमार जो वर्तमान में हमारी सरकारें चला रही है, जनता त्रस है। आप कहते हैं कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, पुलिस बेतहाशे मारती है, डंटा बजाती है, उनको क्या, किसी का हड्डी टूट गया, किसी का कुल्ला टूट गया, किसी का पैर टूट गया, तो पैर तो तोड़ देते हैं पुलिस वाले। अब हम गरीब जब रोड पे खाने कमाने जाते हैं तो पुलिस के डंडे भी खाते हैं, खाली पेट में डंडा। अरे पहले खिलाओ गरीब जनता को अंडा, तब पुलिस वाले मारे अगर डंडा तो कोई बात नहीं, चूँकि अंडा खाए हड्डी मजबूत है, हड्डी तो ऐसे कमजोर है, ना खाना है, ना अंडा है, ना दवाई है, खाली 2 गज की जूड़ी, अब मास्क लगाना है जरूरी, और नहीं मिल रहा हलवा पूड़ी। अब जितने मंत्री सब हलवा पूड़ी घर में बैठ के खा रहे हैं, ये बहुत अन्याय है। जितने भी जनप्रतिनिधि है नीचे स्तर से लेके, चाहे वार्ड काउंसिलर हो, MLA हो, MP हो, मंत्री हो, ये लोग क्या, यही इसी दिन के लिए जनता ने वोट दिया था? आप सिर्फ वोट के टाइम घूमते हैं, माई बाप वोट। अभी तो कहना नहीं चाहिए था, माई बाप खाना भी ले लीजिए। अरे खाना बांटिए, MLA साहब खाना बांटिए, MP साहब खाना बांटिए, जो जहां जिस क्षेत्र का है। और PM साहब से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से, इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वो अपने जितने भी देश के नेता हैं उनको गाइडलाइन दें, मन की बात में बोलते ना हैं। आज एक बुलेटिन जारी करें प्रधानमंत्री कि जितने भी MP हैं, MLA हैं देश में, सब अपने अपने क्षेत्र में खाना है, दवाई है, हर हॉस्पिटल का निरीक्षण करें, हर डॉक्टर का निरीक्षण करें। और जब डॉक्टर के पास उनके परिजन जाते हैं, जैसे जो बीमार हो गया तो उनका हॉस्पिटल का गार्ड मार रहा है। अरे भाई कल अंग्रेज का डंडा खाते थे तो बड़ी अफसोस की बात थी कि आज़ादी हम लोग को नहीं मिला था। आज जिस मुल्क को हम लोग ने आज़ाद किया, जिस अंग्रेज को भगाया, वो अंग्रेज को भगाने के बाद वो बेरहमी से अंग्रेज नहीं मारता था, जो अभी हिंदुस्तान की पुलिस अपने जनता पे डंडा बजाती है। मैं इसकी भी भर्त्सना करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे IAS हैं, IPS हैं, जज साहब हैं, हाई कोर्ट के जज हो, चाहे निचली अदालत के जज हो या ऊपरी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इन गरीबों पे डंडा बरसाने के लिए आपने मना कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर का ये कानून नहीं था, उन्होंने कहा था कि जब जनता अपने आप में असुरक्षित महसूस करेगा तो सड़कों पे आवाज़ बुलंद करेगी, लेकिन आज सड़कों पे जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे फेंक दिया जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। जनता बहुत भोली है, हिंदुस्तान की जनता, उनको खाना का व्यवस्था कीजिए, दवाई का व्यवस्था कीजिए, खाली सैनिटाइजर बांट दीजिए, सैनिटाइजर, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, बंदी भी है जरूरी, तो बंदी 10 साल कर दीजिए ना, 2031 तक। मैं कहता हूँ कि 2031 तक 10 साल तक भारत बंद कर दिया जाए, उसके बाद सारे खाने का व्यवस्था कर दिया जाए, एक पब्लिक सड़क पर नहीं निकल लगा। जब जनता को खाना पीना दवा बीरो सब मिलेगा तो हम काहे के लिए सड़क पर निकलेंगे? जब हमको 15,000 रुपया महीना सब घर को मिले रहा तो काहे पर सड़क पर निकलेंगे? इसलिए बड़े लोग तो खा रहे हैं, बड़े लोग जो मालदार हैं, जो धनवान हैं, जिनके पास कई गाड़ियां हैं, फोर्ड गाड़ियां, क्या फॉर्चूनर अब वगैरह वगैरह, BMW, वो तो बेफिक्र हैं, ठेला वाला मार खा रहा है, रिक्शा वाला मार खा रहा है, हवा हवाई वाला मार खा रहा है, ऑटो चलाने वाला मार खा रहा है, टमटम चलाने वाला मार खा रहा है, रोज़ सब्जी बेचने वाला मार खा रहा है। सरकार, हम सरकार से ये कह रहे हैं कि ऐ सरकार, आपको उस वक्त था जनता की दरकार जब आपको वोट लेना था तो हाथ जोड़ के चले आए थे, कहा कि हमें वोट दीजिए। हम लोग जब वोट दिया प्रधानमंत्री जी को, नीतीश कुमार को, अब वोट लेने के बाद सरकार ने मुझे छोड़ दे दिया। बहुत रोना आ रहा है, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। आप मीडिया के माध्यम से सरकार को बताइए कि जो बोल रहे हैं, मैं भी एक जनता हूँ, इसी मुल्क का जनता हूँ, इसी भारत का जनता हूँ,
इसी बिहार का जनता हूँ। हम लोग रो रहे हैं कि काश मेरे ऐसे सीएम होते नीतीश कुमार जी, और जो मेरे कोलेशन गवर्नमेंट चल रहा है, अलायंस की गवर्नमेंट जो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट चल रही है, दोनों की गवर्नमेंट चल रही है। मैं दोनों सरकार को निवेदन करता हूँ कि अपने जनप्रतिनिधि को कहिए कि खाना, राशन, पानी, सारी चीज़, दवाइयाँ, पीएमसीएच की हालत देखिए जर्जर है, एनएमसीएच की हालत देखिए जर्जर है, हॉस्पिटल है नहीं, घर पे लोग इलाज करा रहे, डर के मारे जा नहीं रहे इलाज कराने के लिए कि अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो बच्चे मर जाएंगे, बेटी मर जाएंगे, बेटा मर जाएंगे, दामाद मर जाएंगे, हर घर पे रोना है, अभी हर घर रो रहा है। अरे भाई, इससे अच्छा एक ही बार मार दीजिए भाई सबको, हम लोगों को गांधी मैदान में बुलाइए और वहीं हम लोग को शूट कर दीजिए। भूखे मरने से अच्छा है कि पुलिस की गोली से मर जाए। कल अंग्रेज गोली मारता था, आज भारत की गोली, भारत की पुलिस गोली मार दे। हम तो यही, अब तो लगता है कि गांधी सेतु से जाके सुसाइड कर लें, सारी जनता करके अब हम लोग गांधी सेतु से जाके सुसाइड कर लें। सुसाइड करने पे लोग मजबूर हो रहे हैं, देखिए कैसा सुनसान पड़ा हुआ है। अब धावा दस्ता कौन दस्ता घूम रहा है, दुकान बंद करो, सेटर बंद करो, ये बंद करो, चुपके चोरी लोग बेच के चार के बच्चे का जीवन बसर करें, वाइफ को खिलाएं, अपने खाएं, कुछ अड़ोस पड़ोस को खिला दें, इतना तो पैसा हो ही रहा, क्या खिला दें। लोग सोचते हैं कि हम खा लेंगे तो पड़ोसी भूखा रह जाएगा, पड़ोसी देख रहा है कि वो खा लेगा तो पड़ोसी भूखा रह जाएगा। तो ये दाई सरकार की बनती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पूरे इंडिया की जनता की चिंता करें। इसी के साथ मैं ज़्यादा क्या बोलूं, जय जवान जय किसान, मेरा भारत हो और महान। मोदी जी आपसे यही हमारी इल्तिजा है, मैं इल्तिजा के साथ नीतीश कुमार जी जनता को खाना भेजिए और उनके अकाउंट में 15,000 रुपया